और आपको बताएं पंजाब में गन्ने की क्रशिंग शुरू करने में ताखीर क्यों की जा रही है। शुगर मिलों और पंजाब हुकूमत का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। क्रशिंग में ताखीर से गन्ने में चीनी की मकदार बढ़ जाती है। बेहतरीन फसल के लिए गंदम की बुवाई 10 नवंबर तक करने का मौका ज़ाया हो गया। पंजाब हुकूमत का शुगर मिलों को 20 नवंबर से चलाने की इजाज़त देने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग में ताखीर के लिए 2021 का नया कानून इस्तेमाल किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ज़ुल्फ़िकार अली महतो। ज़ुल्फ़िकार, ये क्या मामला है? देखिए, ये जो एक गठजोड़ था पाकिस्तान की और पंजाब की, खासतौर पर शुगर मिल्स का और हुकूमत पंजाब का, वो इस गन्ने की क्रशिंग के तनाजे में सामने आया है। इसके लिए ये जो इस वक्त वजीर खुराक पंजाब है हुसैन बहादुर दरेशत, वो खुद एक शुगर मिल्स के रेंजर खान में राजनपुर में एक बड़ी शुगर मिल के मालिक है और पंजाब की जो शुगर मिलें हैं उसमें पोलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो गन्ने की क्रशिंग में तखीर का फायदा बराह रास्त जो है शुगर मिलों को होगा, क्योंकि गन्ने में शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, लेकिन इसका नुकसान किसानों को हुआ है जो जिनको खेत खाली नहीं मिल सके और गंदम की बुआई का बेहतरीन जो तारीख 10 नवंबर थी वो गुजर गई है। अब इसमें जो मेरी ग्रेन कमिश्नर के दफ्तर में जराए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हुकूमत पंजाब ने इस फैसले के बाद अब ये फैसला किया है कि जनूबी पंजाब में ये 20 तारीख से क्रशिंग शुरू होगी और सेंट्रल पंजाब में 25 नवंबर से शुरू होगी। ठीक है ज़ुल्फ़िकार, तफसील के लिए शुक्रिया।